सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिस टू। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड सोफी में आपके मतलब आज का वीडियो एंड कर देना, क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत 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 इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड सोफी चलो आपको लेकर चलती हूँ, क्या कर रही हूँ आपको दिखा रही हूँ। ओके सोफी, आज हमारा बनने वाला है मोमो। सोफी वीडियो एंड तक देखना, दिखाती हूँ हम लोग मोमो कैसे बनाते हैं एंड क्या करते हैं। सोफी इसी तरह ब्लॉग में जुड़े रहिए, अभी तो आपको लेकर जाती हूँ। अभी तो मैं कुछ गर्म पानी पी रही हूँ एंड उसके बाद मुझे कटिंग करनी है एंड मैं बेक करके दिखा रही हूँ मैंने क्या क्या निकाल के रखा है। ओके उसके लिए सो फिर चलो फिर ब्लॉग में जुड़े रहिए। सो गाइस, मोमो के लिए मैंने आई थिंक 4 प्याज ले लिया है। आई थिंक आप जितना प्याज डाल सको उतना टेस्टी हो सकता है। आई थिंक हमारे पास था बट इतना ज़्यादा तो मोमो नहीं बनेगा, बट इतना ही है। बट हम लोग घर पर जब बनता था तब 1.5 किलो उतना डाल जितना डाल सकते हैं, 1-2 जितना लोग डाल सकते। ये मैंने प्याज ले लिया है एंड फिर वेट गाइस, मेरा फ़ोन आ रहा है, आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। सो गाइस एंड सॉरी, मेरा फ़ोन आ गया था बीच में, सो फोन मैंने थोड़ा स्किप कर दिया था। एंड ये है मेरा वन ऑफ दी नाइफ जिसमें कटिंग करूँगी। एंड ये कैरेट गाजर एंड ये प्याज। एंड मैंने क्या दिखाया मुझे याद तो नहीं है, तो फिर मैंने फिर से आपको दिखा देती हूँ। एंड फिर से मेरा मोटर चालू की प्याज आप जितना डाल सकते हो आपके हिसाब से। एंड ये है धनिया का पत्ता एंड ये है मिर्च एंड ये है कैबेज एंड ये है कटिंग करने वाला इसको। एंड इस वन ऑफ द मोस्ट ये तो जरूरी है क्योंकि ग्लास उससे कटिंग करूँगी। एंड देखिए मुझे इतना कटिंग करना है, तो फिर चलो तो गाइस मैं इतना कटिंग करती हूँ। चलो फिर आप ब्लॉग में देखो मैं कैसे कटिंग करती हूँ, ठीक है। एंड किस किस को रेसिपी चाहिए उसको बोलना, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो फिर चलो बनाते हैं। सॉरी सो गाइस, मैंने कटिंग कर दिया ये धनिया का पत्ता बारीक कट कर दिया है। एंड ये है प्याज देख रहे हैं, एंड ये हरी मिर्च एंड ये है गाजर और ये है कैबेज कट। ये हो गया कद्दूकस हो गया। अभी सबको ऐड किया जाएगा इसमें। हरी मिर्च इससे ज़्यादा इसलिए ऐड किया कि इससे खाने में टेस्टी एंड फ्लेवर अच्छे से आएगा। तो ये सबको ऐड कर देते हैं, तो फिर वो दिखाती हूँ कैसा होता है एंड क्या है, तो ब्लॉग में जुड़े रहिए, ठीक है। एंड उसमें दी डाल रही है ये गाजर एंड उस आप साइड में बर्तन रखा हुआ, उसको धोना पड़ेगा अभी नहीं, अभी बट इस पर हो जाए फिर, क्योंकि लेट भी बहुत हो रहा है तो इसी वजह से सबको मैंने बारीक कट कर दिया। अभी इसको ऐड करते फिर आपको दिखाती हूँ। ओके इसी तरह ब्लॉग में जुड़े रहिए। सो गाइस देखिए इतना सब रखा हुआ है। एंड ये है चिकन मसाला, इतना चिकन मसाला डाला जाएगा। एंड ये है अजिनोमोटो, आपको दिखा रही हूँ इसमें। इसको मैंने पता है मैंने जाम खाया था बट इसको मैंने फेंका नहीं, इसको मैं रख दिया। इसका मैंने बोला चलो काम आएगा, तो इसमें मैंने रख दिया है अजिनोमोटो। आपको फोटो दिखाती हूँ, ठीक है। रुकिए खुल ही नहीं रहा है, वेट खुल ही नहीं रहा, खुल के। सो इसके अंदर है अजिनोमोटो, जैसे हम लोग कुछ भी होता है जैसे नूडल्स होता है, नूडल्स पास्ता इसमें डालते तो इसमें फ्लेवर अच्छा से आता, तो इसमें सब ऐड किया जाएगा। तो फिर होगा मस्त मोमो का पेस्ट, क्योंकि हम लोग मतलब ऐसा होता है कि ना मोमो का दो पेस्ट बनता है। देखिए अभी इसमें चिकन सब ऐड किया जा रहा है, मैं इसको निकाल दे रही हूँ। एंड किसके घर पे कैसा बनता है कमेंट में बताना, हम लोग कैसे बनाते हैं। एंड हम लोग फ्राई मोमो नहीं खाते, हम लोग को स्टीम मोमो अच्छा लगता है, तो हम लोग स्टीम मोमो ही बनाएंगे। हो गया, अब दीने इसको इसमें डाल दिया है, अब इसमें अजय मोटो डालेगी। और नमक दो क्या, नमक का डिब्बा इसमें नमक रखा जाता है हम लोग का, नमक का डिब्बा। देखिए नमक और तो कुछ ऐड नहीं होगा, बस इतना ही ऐड होगा इसमें। इसमें हमारा देखो मसाला रखा हुआ है, तो देखिए अभी मिक्स होगा, तो ये फाइनल अभी थोड़ा सा हाँ ये डाला जाएगा फाइनल। अभी कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है, मतलब इंग्रेडिएंट्स है बट मोमो का हम लोग का फर्स्ट बर्तन नहीं, इसमें मोमो बनाते हैं तो इसमें थोड़ा तकलीफ होगा। तो हम लोग जुगाड़ तो लगा चुके हैं किसने बनाएंगे, इन आपको दिखाएंगे कैसा बन रहा है, ठीक है। सो आप देखिए कितना मस्त लग रहा है। चलो फिर देखते हैं मिक्स होने का टाइम, ठीक है। सो गाइस अभी दी इसको धीरे धीरे से इसको मिक्स कर रही है। अब इसको स्पून से तो मिक्स कर सकते थे ना,
हाँ बट वो अच्छे से मसाला अच्छे से मसाला जाएगा नहीं, इसलिए अब सोच अब ये को, मतलब गलत कमेंट मत करना, हाथ से कर रहे हैं हाई मेरे को, हम लोग हाथ अच्छे से धो के किए तो स्पून से थोड़ा ये होगा तो इसलिए अच्छे से ये मिक्सअप होगा। अरे बर्तन बड़े बड़े नहीं है ना, छोटे घर नहीं है तो हम लोग ऐसे ही करते बिकॉज क्योंकि बाहर तो आप लोग जैसे खाते तो उसमें अच्छा, अगर मैं इसको स्पून से कर भी दूंगी तो अगर मैं आटा लगाऊंगी उसको तो मैं हाथ से करूंगी ना, तो उसको तो स्पून से नहीं। तो फिर प्लीज़ गाओ गलत कॉमेंट मत करना, सबको दिखा रहे। तो फिर ये मिक्सअप तो हो गया आपको, फिर ज़्यादा तो दीदी खाएंगे तो फिर तो इस तरह बोलो। सो गाइस दी अभी आटा को गूंथ रही, सॉरी मैदा को गूंथ रही है मोमो के लिए, एंड यहाँ पे फ़ोन पे भी बात कर रही है, घर पे बात कर रही है एंड इसको कर रही है, एंड करने के बाद मोमो का फिर ये बना रेडी होगा, मैं फिर आपको दिखाऊँगी कैसा बनता है, तब उसको आटा को गूंथने दो। सो फाइनली मोमो का डोम बन चुका है एंड ये अभी ये पानी में जाएगा, तो दिखने में कैसा दिख रहा है बताना। अभी ये अभी हुआ नहीं है, अभी ये क्या बोलते हैं इसको स्टीम होगा, देन ये मोमो देन फाइनल बन जाएगा। देन इसके बाद अब तो हमारे पास मोमो का बर्तन तो है नहीं, अब इसमें आई थिंक डाल के आई थिंक कुछ होगा, ऐसा कुछ मुझे पता नहीं, देन इसके बाद ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो फिर जस्ट देखिए कैसा हो रहा है, फिर इसका आइडिया लग रहा है, आई थिंक इसके अंदर ये लगेगा, इसको इस तरह रखना पड़ेगा। फिर देखिए अभी बैठ चुका है गैस पे, एंड देन ये तो है मोमो का पेस्ट, बहुत सारा पेस्ट हो जाता है मोमो बनने वाला आई थिंक। तो फिर आई थिंक हाँ इसका ये लग गया, इसको जैसे ही मोमो बॉयल होगा तो मोमो स्टीम हो जाएगा और क्या, तो फिर यही है और क्या। चलो फिर मोमो बन जाएगा तो आपको दिखाऊंगी। सो गाइस ये हमारा मोमो रेड बन चुका है एंड ये फर्स्ट बार बन चुका है, एंड हमें इसको इसमें रखा है एंड थोड़ा अभी जस्ट निकाला है, ठंडा होने के रखते हैं फिर आपको दिखाते खाने का टाइम। अभी ये मोमो तो बन चुका है एंड जब मैं आपको खाऊंगी तब आपको दिखाऊंगी। एंड इसका आटा का ये जो मैदा का ये इतना बच गया, इसको कुछ बना देंगे, देखते क्या होता है फिर। सो गाइस आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा, आई होप अच्छा लगा होगा, एंड कैसा लगा कॉमेंट में बताना, एंड मोमो को रेसिपी मोमो का कैसा लगा आपको दिखाने का। तो फिर मैं ब्लॉग सोचू एंड करती हूँ, ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ओके, एंड कमेंट करना भूलना मत। सो बाय।